तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी दांव पे लग गई है। कुछ नहीं होता, ऐसे ही धमकियां दे रहे हैं आपको। जिस दिन मेरी नौकरी छूट जाएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। अच्छा छोड़ो इस बहस को, आप कुछ ऑर्डर करें यार, कुछ बना के खा लो। तो तय कर लिया आपने कि ऑर्डर नहीं करेंगे? हाँ। भूख लग रही है मुझे, तो कुछ पका के खा लो ना, बना लो कुछ। बाहर का खाने का सोच के भी ना मुझे उल्टी आना शुरू हो गई है, अब ना ही हम अफोर्ड कर सकते इतना। अभी दिन में हमने रेस्टोरेंट से खाना खाया। हाँ तो क्या हुआ, नई नई शादी हुई है हमारी, लोग जाते हैं शादी के बाद खाना खाने, घूमने फिरने। हमारी शादी ना बहुत पुरानी हो गई है, तुमने जितने पैसे खर्च करने थे, जितनी राशि करनी थी कर ली है, लेकिन प्लीज खुदा के लिए अब संभल जाओ। हाँ जैसे हमारी शादी को तो सदियां बीत गई है ना। तुम्हारी आज की हरकत ने मुझे बहुत मायूस किया है। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी दांव पे लग गई है। कुछ नहीं होता, ऐसे ही धमकियां दे रहे हैं आपको। जिस दिन मेरी नौकरी छूट जाएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। अच्छा छोड़ो इस बहस को, आप कुछ ऑर्डर करें यार, कुछ बना के खा लो। फ्रिज में सब कुछ पड़ा है, ब्रेड पड़ी है, अंडे पड़े हैं, फ्रूट्स पड़े हैं, बिस्किट भी लेकर आया हूं मैं, खा लो कुछ भी। आपको क्या लगता है आप ऑर्डर नहीं करेंगे तो मैं भूखी रहूंगी? पैसे नहीं है मेरे पास। करना है ना तो करो, लेकिन प्लीज इस वक्त मेरा दिमाग मत खाओ। आप खाना नहीं खाएंगे? खा लिया तो मैंने ब्रेड पर जैम लगा के। ठीक है फिर, भूखी रहती हूँ इस हालत में।